बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और मैं कैसी लग रही है बताना कमेंट करके जरूर। तो मैंने ये सब पहना हुआ है, देखो मैंने आई शैडो लगाया, तो मैं कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। ये मैंने माला अपना पहना हुआ, ये मेरा पूरा लहंगा है, पूरा लहंगा मैं आपको पूरा लुक दिखाऊंगी अभी। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी, आप सभी को भगवान श्री कृष्ण जन्म की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा जो मंदिर है वो बहुत ही प्यारा सज गया है। चलो आपको दिखाती हूँ मैं प्रॉपर पूरा मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा है। मैं भी तैयार हूँ, मैंने अपना ये क्रॉप टॉप स्कर्ट एंड चुन्नी ये डाल रखी है, ये झुमकी, इसका नेकलेस नहीं पहना था क्योंकि बहुत भारी हो जाता, हैवी सा, और कुछ भी मेकअप नहीं किया। इतनी गर्मी हो रही है, कुछ कहने को नहीं, लेकिन भगवान जी ने इतनी रहम कर दी कि बहुत जोरों की बारिश हुई है आज, बहुत ठंडा सा मौसम हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं कपड़े वगैरह निकालूं और पहनूं, काम करने में बहुत स्वेटिंग हो रही थी, इसलिए इतनी गर्मी की वजह से मैंने जो डेकोरेशन जो हो रही थी, मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्यारी सी डेकोरेशन की है, वो मैं सूट नहीं कर पाई गर्मी की वजह से, क्योंकि मैं किचन में ही लगी रही और इधर नहीं आ पाई, थोड़ा सी झलक दिखाई थी मैंने। तो चलिए आपको पूरी झलक दिखाती हूँ कैसी लग रही है। और आध्या को देखा, आध्या कितनी प्यारी राधा रानी लग रही है। मैंने आध्या के लिए मुकुट निकाला था और दुपट्टे वगैरह निकाल रखे थे, सोचा था कान्हा जी बनाएंगे, बट ये बोली नहीं मुझे कान्हा नहीं बनना, मुझे राधा ही बनना है। देखो राधा बन के तैयार है आध्या, कैसी लग रही है आध्या और मैं बताना कैसे लग रहे हैं। चलिए मैं आपको घर इसकी पूरी डेकोरेशन दिखाती हूँ कान्हा जी की मंदिर की, और मैंने भोग भी बना लिया है सारा, और मैंने जो खाना होता है वो भी पूरा बना लिया है, लगा भी दिया है, बस पूजा करने की देरी हो गई है। तो चलिए आप लोगों को पहले दिखा देती हूँ मंदिर। कृष्ण जी को नहीं दिखाऊंगी, कृष्ण जी ढके ढकाए रखे हुए हैं, क्योंकि उनका अब जन्म होगा तभी वो उठेंगे, तभी हम उनको कपड़े पहनाएंगे, नए वस्त्र पहनाएंगे। तो चलिए सब चीज़ें दिखाती हूँ मैं आपको। सो गाइज, ये रहा हमारा मंदिर, ऊपर से कुछ ऐसा है, ऊपर ये देख कान्हा जी और राधा जी का ये एक कर्टन लगा हुआ है बहुत ही प्यारा, जो कि मैंने धुल दिया है, साफ कर दिया था आज ही। और ये रहा मंदिर अंदर से कुछ ऐसा, भी मैं आपको पास से बिल्कुल दिखाऊंगी, फिलहाल आप दूर से इस तरीके से देख लीजिएगा। एंड ये देखिए ऊपर इस तरीके की लाइटिंग, जब ये बड़ी बड़ी जो लाइटिंग है ये बंद होती है ना, तब ये वाली लाइट की रोशनी अच्छी पड़ती है। एंड ये रहा कान्हा जी का जहाँ जन्म होगा, ये जो रंगोली जो है, ये रंगोली थोड़ी सी बिगड़ गई है, ये सब मेरे हस्बैंड ने बहुत ही प्यारी रंगोली बनाई थी, अभी मैं इसको ठीक करूंगी। तो ये कान्हा जी का आसन जहाँ पे वो विराजित होंगे, ये झूला है जिसमें झुलाए जाएंगे, यहाँ पे आराम करेंगे वो। सो ये है प्रॉपर मंदिर, मेरे हस्बैंड ने देखो कितना प्रॉपर बढ़िया किया, पीछे से एक लाइट आ रही है, अभी मैं अच्छे से दिखाऊंगी आपको। और ये झूला, झूले के पास कान्हा जी के सिंहासन पे एकदम से लाइट पड़े, उसके लिए यहाँ पे ये लाइट लगाई है। अंदर आप देख सकते हो, जब ये बड़ी वाली लाइट बंद होगी ना, तो इसकी छत पे कितने छोटे छोटे से जो लाइट लगी हुई ना, ये बहुत ही प्यारी लगती, चमकती है, तो मैं अभी आपको वो भी दिखाऊंगी। सो ज्योति वगैरह सब तैयार कर रखी है, कान्हा जी ढके हुए रखे हुए हैं, जब जन्म होगा तब भी पर्दा डालना है, मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए किया हुआ है। ये दो थोड़ा पास से दिखा दे रही हूँ मैं। और ये रहा यहाँ पर, तो मैं आपको एक चीज और दिखाती हूँ, मैं कान्हा जी को जो कपड़े लेकर आई हूँ ना, वो क्या क्या है और ड्रेस वगैरह सब दिखाती हूँ। ये ड्रेस है कान्हा जी की, ये देखिए। तो ये है ड्रेस कान्हा जी की, कितनी प्यारी सी है, मैंने बोला था ना मेरे पास मैचिंग का इसकी पगड़ी रखी हुई है। तो ये देखिए पगड़ी है कान्हा जी, बिल्कुल मैच कर रही ना, ये भी पहनाएंगे और हो सकता है फिर ये भी पहनाए, अभी कल पहनाए इसको। एंड ये देखिए इसके मैचिंग के, ये देखिए कंगन, सारी चीज मैचिंग की थी ना, इसलिए मैंने नहीं ली, सब चीज़ मेरे पर रखी हुई थी, तो मेरे ड्रेस चाहिए थी मैचिंग की। ये देखिए ये है, और ये कान्हा जी की बांसुरी, ये और ये कहाँ गया, ये देखिए ये कान्हा जी की छड़ी है ना, और बस ये कान्हा जी का है पूरा, अभी तो तैयार होंगे वो। और ये दीपक, ये दीपक ना इसमें कैंडल लगती है, लेकिन कैंडल मैंने हटा दी थी,
तो मैंने इसमें घी का दिया लगाया, बड़ा प्यारा लग रहा है। तो बस अब इनको विराजित करना है। अच्छा देखो, आध्या तो मेरी तैयार हो गई है, बड़ी प्यारी सी। ये नहीं तैयार हुआ है, इसको मुझे खाना बनाना था, ये नहीं बना, ये नहीं मारा मेरे पास बिल्कुल भी। मेरे पास गुड़िया ही तैयार हुई है मेरी। सो भाई चलिए मैं ये थोड़ा रंगोली ठीक कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत है, भगवान जी को मैंने पूरा पोंछा है, पापा ने नहला दिया है और पूरे में लाइट लाइट लगी हुई है। तभी पूजा होगी, मम्मी तैयार होगी, फिर पापा लाइट जला दो ना, तो फिर पूजा होगी, फिर होगा, फिर खाएंगे, खुश रहेंगे, क्योंकि अब सोने का तो टाइम हुआ है, रात भी हो गई है, तो रात को हम लोग बनाते हैं। हाँ देखो झुमके पता कैसे बने, मेरे पास मेरे कान अभी चीदे नहीं है, तो मेरी मम्मी ने पता क्या करा है, बालों से और कानों से चिपका दिया है, और मेरा पूरा नेकलेस है, तो मैं अच्छी रख लूंगा फ्रेंड, एक का फोटो खींचूंगी और बस सो जाऊंगी। ओके फ्रेंड बाय, हैप्पी जन्माष्टमी। तो दोस्तों मैंने बहुत मेहनत की कि दक्ष को मैं तैयार करूँ, कृष्णा बनाऊँ, ना कृष्णा बनाऊँ तो कुछ मतलब इस तरीके वाला जो ड्रेस है इसको पहना दूँ, लेकिन बहुत मुश्किलों के बाद एक तो मैंने पहनाया और 2 मिनट यानी 1 मिनट भी मुश्किल से नहीं हुआ था, और दक्ष ने ये ड्रेस का पैंट है वो उतार दिया है, डायपर जो पहना था वो भी निकाल दिया है, उसे ये कपड़े पहनने ही नहीं थे, उसे ऐसे ही घूमना था, यहाँ तक कि ये कपड़े उतारने के बाद 10 मिनट तक तो बिना कपड़ों के ही घूमता रहा। मुझे भी बहुत गुस्सा आई थी, तो मैंने क्या किया फिर इसको ऐसे ही घूमने दिया, फिर जैसे ही पूजा के पास बैठे, पूजा शुरू हुई तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, तो फिर मैंने इसे नॉर्मली जो कपड़े थे घर के वही पहनाया, और उसने वो कपड़े आराम से पहन भी लिए और उसे बहुत अच्छा भी लग रहा था। बच्चा है अभी चिड़चिड़ाता है, फिर मैंने भी सोचा चलो अपनी जिद नहीं करते हैं, इसके मन का ही करते हैं, और बस इसको ये कपड़े उतार कर इसको नॉर्मली कपड़े पहना देते हैं, और बस ऐसे ही कि करता रहा था। फिर आध्या से खूब झगड़ा भी किया इसने। अरे नहीं, ओ क्या हो गया, दज्जू आध्या से लड़ाई कर रहा है। हाँ तो बस अभी काफी देर हो गई है, पूजा शुरू होने वाली है, यानी कृष्ण जन्म होने वाला है। ये गाय का कच्चा दूध है, पंचामृत, पंजीरी, गुड़ का पाग, मिठाई और तुलसी दल और खाना यानी जो भोग है वो सारी चीज़ें मैं ला के रख रही हूँ, फल फूल ये सारी चीज़ें जो भी ज़रूरत है, और सारा सामान मैंने निकाल के रख दिया है अच्छे से, और बस फटाफट से पूजा शुरू होनी है। आज खाने की थाली ये देखिए कान्हा जी की मैंने लगा दी है, पूरी कचौरी सब्जी, 2 सब्जी, खीर, रायता, और जो भोग है यानी जो प्रसाद है वो वाला जो कान्हा जी के लिए स्पेशल बनता है, माखन, मिश्री एंड गुड़ का पाक, पंजीरी, पंचामृत, वो अलग है।
एंड हमारे यहाँ पर खाने का प्रसाद जरूर लगता है, यानी जो हवन होता है, हवन में अगर भोजन नहीं लगाया तो ये अधूरा माना जाता है। हमारे यहाँ ज़रूर हवन छोटा सा होगा और उसमें ये खाने का भोग ज़रूर लगाया जाएगा, तभी भगवान हमारा प्रसाद है वो ग्रहण करते हैं। तो बस अब कृष्ण जन्म होगा तो पर्दा डाल देते हैं मेरे हस्बैंड जी, और उसके बाद जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, हमारे बाल गोपाल जन्म लेंगे, इस दुनिया में आएंगे, और हम कृष्ण जन्माष्टमी इसी तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं जो कि हर साल करते हैं। और मुझे ये पर्व बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इस पर्व में इतनी प्यारी झांकी होती है जिसको सजाने में और सजा कर फिर उसको देखने में बहुत मन खुश होता है। तो बस कान्हा जी का जन्म हो ही गया है और फटाफट से जल्दी से उनको उठाते हैं और उनके वस्त्र वगैरह पहनाएंगे। चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। तो कृष्ण का जन्म हो चुका है, हमारे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आ चुके हैं। हमने वो चीज नहीं दिखाई है क्योंकि कृष्ण जन्म जब होता है तब नहीं दिखाया जाता है। और दोस्तों यहाँ पर जो ये कान्हा जी हैं वो खीरे से निकले हुए हैं और उनको निकाल के अब इनका अभिषेक इस तरीके से किया जा रहा है, 5 तल तत्वों से, जो कि मेरे हस्बैंड जी, मेरे पति देव जी कर रहे हैं। और ये सारा जो भी है मिश्रण वो सब प्रसाद में मिला दिया जाएगा और ये हमारा प्रसाद बन के तैयार हो गया है। अब कान्हा जी को तैयार करने की बारी आई है, तो कान्हा जी को अच्छे से टॉवेल से पोंछ लिया है। और ये रही मेरी राधा रानी और ये रहे मेरे कृष्ण कन्हैया, मेरे बाल गोपाल और ये मेरे लड्डू गोपाल। अब इनको ये वस्त्र पहना रहे हैं मेरे हस्बैंड, बड़े ही प्यारे, बड़े ही मनमोहक, बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। नजर ना लग जाए मेरे लला को, इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मेरी नजरें इनसे हट ही नहीं रही थी एक पल के लिए, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। मेरे बाके बिहारी लाल तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। जय कन्हैया लाल की, बाके बिहारी लाल की, मेरे बाके बिहारी लाल की, बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पगड़ी बना दो, श्री कृष्ण गोविंद हरे। Thank you.
बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की, आरती कुंज बिहारी की गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला बजावे मधुर मुरली मधुर बाला, बाके बिहारी लाल की जय, नंद गोपाल की जय, राधा रानी की जय, यशोदा मैया की जय, कृष्ण जन्माष्टमी की जय, जय श्री कृष्णा। सो दोस्तों, यहाँ पे पूजा हो गई है संपन्न। अब चलते हैं, कुछ पकवान अपने लिए भी बनाते हैं। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बस पूरियां सेक रही हैं। खाना तो पूरा बन ही गया है, काफी रात हो गई है और बस पूरियां सेकनी है, कचौरियां सेकनी है और हम ही लोग ही हैं तो बस गरम गरम फटाफट सेकते हैं, क्योंकि काम तो सारा करके ही सोना है। और मैंने सोचा चलो गर्म गरम बनाते हैं और गरम गरम खिलाते हैं अपने पति देव को। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। आपने क्या क्या किया है शेयर करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और मैं हर साल इसी तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी मनाती आ रही हूँ। अभी मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मैंने अभी कुछ चेंज नहीं किया है। मैं सोच रही थी पहले सेक लूँ सारी चीज़ें, उसके बाद ही ये सब कुछ चेंज करूँगी मैं। लेकिन मैं जूठा नहीं करूँगी, पहले इनको चेंज करूँगी फिर खाऊँगी बैठ कर। पूजा हो गई है, खाना भी बनके तैयार हो गया है, भगवान जी भी सो गए हैं और अब हम जा रहे हैं खाना खाने। सो गाइस, हो गई है कृष्ण जन्माष्टमी, बहुत अच्छे से जन्म कर लिया है और अध्यादक वो डले और ये भी कपड़े चेंज कर रहे हैं, मैं भी उतार दे रही हूँ, खाना बना लिया, अभी खाया नहीं है, सब चेंज कर लूँ फिर खाना खाएंगे। तो फिर से आप सभी को हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट में लिख के बताना और लाइक ज़रूर करना। एंड थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।